हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को हम क्लास 12th और 10th दोनों को वृद्धि संधि बताते हैं, जिसके कोर्स में जो है वो कर लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है वो हम आपको पहले सब पहले इसकी ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, ट्रिक इसकी है। देखिए, इसमें दो मात्रा का आना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी मात्रा है वो ध्यान दीजिए। देखिए, दो मात्रा इसकी रहेगी। अगर ए की मात्रा, अगर औ की मात्रा, अगर दोनों से ये कोई दिख जाता है तो समझ लीजिए आपका क्या है, ये वृद्धि संधि है। इस वृद्धि संधि को कैसे हम पहचानेंगे ये हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ठीक है कि नहीं? देखिए, आय की मात्रा, औ की मात्रा, ये दोनों कैसे होता है ये हम देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नंबर एक, आ प्लस ए। अगर आ प्लस ए मिल जाता है तो आपका क्या बन जाता है, ठीक है, इसको एक ही मिला लीजिए तब ज्यादा जल्दी जाए। और इसे चलिए ठीक है, आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय। देखिए, आय मतलब आय की मात्रा, दोनों एक चीज है। देखिए, अगर मान लीजिए छोटे दूसरा, देखिए अगर बड़ा आ भी रहता है फिर भी ए रहता है, बड़ा आ ए रहता है तो भी तुम्हारा आपका आय बनता है। आय मतलब ये दोनों एक चीज। तीसरा देखिए, अगर छोटा आ या बड़ा आ दोनों से कोई भी रहेगा और इसके साथ आपका क्या लगा रहेगा, ओ लगा रहेगा तो आपका क्या बन जाएगा, औ। औ मतलब औ की मात्रा। देखिए, ये है, ये इसकी ट्रिक है। अब एकदम अब इसको कैसे करेंगे हम इसको बताते हैं कि एग्जाम में आपका आएगा कैसे। अगर मान लीजिए आपका एमसीक्यू में आता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आपका एक वर्ड आपको देते हैं, जैसे सदैव। देखिए, ये वर्ड क्या है, सदैव है। अब इसको तोड़ना है। हमने आपको दो चीज बताया था कि लेफ्ट, देखिए ट्रिक बताया है आपको, लेफ्ट प्लस राइट। ट्रिक बताया है लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट में मात्रा रहे या मात्रा ना भी रहे, और प्लस राइट में आपका क्या रहेगा, आ से लेके आहा तक जो भी रहेगा, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए, इधर मात्रा आपका रहना चाहिए और इधर आपका ये जो आपका रहता है वही रहेगा। अब सदैव में देखिए हमें कैसे मालूम हुआ, ये वृद्धि संधि। देखिए, ये एक लड़के मुझसे पूछा था, ये बहुत अच्छी बात पूछा था कि सर ये वृद्धि संधि को हम कैसे जानेंगे वृद्धि संधि है। देखो बेटा, क्योंकि इसमें देखिए एक मात्रा आय की मात्रा है, औ की मात्रा, तो ये मात्रा आएगी तो इसमें देखिए आपका, देखिए ये मात्रा आई है ना, आय की मात्रा, तो समझ लीजिए क्या है, वृद्धि संधि है। देखिए, है ना मस्त है, कुछ चीजें पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं आप सभी लोग को। देखिए, ना दिखाई दे बताइएगा आप लोग। देखिए, अब इसी जगह से ब्रेकअप करते हैं इसका, इसकी हम ब्रेकअप कर देते हैं। अब ब्रेकअप में देखिए आय की मात्रा जो है आपका किससे आता है, देखिए आ से भी जाता है, तो हमें एक सूटेबल वर्ड चाहिए। मान लीजिए अगर हम इसको ले लेते हैं, आ प्लस ए ले लेते हैं, आ प्लस ए तो बराबर आय, तो आय की मात्रा तो आ ही गया। आ में देखिए सद ले लेते हैं और प्लस ए क्या रहेगा, ए होगा। देखिए, ए हुआ, हमने कहा इधर मात्रा होनी चाहिए, इधर मात्रा, तो छोटा से कोई मात्रा ही नहीं होता है। अब देखिए सद, देखिए ध्यान देखिए, इस सद कोई वर्ड होता है, नहीं होता है, ये क्या होता है, यही हमको क्या लेना है, बड़ा। ये आपको इतना माइंड रखना है कि वर्ड होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसमें जब आप करेंगे तो ऑप्शन वो देगा, चार ऑप्शन देगा। जैसे सदैव है, सदैव का चार ऑप्शन वो देगा तो चुनना पड़ेगा। जो बड़ा, देखिए सदा धन एवं, देखिए संस्कृत में आ रहा है तो दो बिंदी लग जाएगा, सदा धन एवं क्या हो गया, सदा धन एवं क्या होगा, सदैव, ठीक है। देखिए, ये सदैव का संधि विच्छेद हो गया। अब हम आपको दूसरा बताते हैं। देखिए, आप लिखते चलिए, देखते भी चलिए, सुनते भी चलिए, सदैव। अब सदैव के बाद हम दूसरा आपको ले लेते हैं कोई वर्ड, जैसे आपका जो आपको आता रहे या ना आता भी रहे तो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, देखते हैं कि और कोई वर्ड आपको मिलता है, मिलता है तो जरूर बताते हैं आपको। मान लीजिए आपका दूसरा वर्ड ये आपका ले लेते हैं, सदा चारों, ठीक है, सदा चारों देश है, परदेश है, ठीक, दो बिंदी लगा दीजिए संस्कृत में, इसका आप संधि विच्छेद करना है।
अब संधि विच्छेद में हम कैसे करेंगे ये चीज हमको देखना है। देखिए इसमें ओ की मात्रा जो आई है उसी ओ की मात्रा से लोप करेंगे, ठीक है। अब ओ की मात्रा कैसे आता है, आ धन आ या छोटा बड़ा कोई भी लीजिए। मान लीजिए हम आखन ले लेते छोटा, चेक करते हैं क्या छोटा आ से आ जाएगा, ओ से ले लेते हैं, ठीक है। आ छोटा आ प्लस ओ बराबर नहीं तो ओ की मात्रा बता रहा है, ये गलत है। देखिए दोस्तों वो जो एक वर्ड था ओ की मात्रा था उसको छोड़ दीजिएगा, वो गलत है। देखिए सही क्या है, वो सही हम आपको बताते हैं, आप सही थोड़ा देख लीजिएगा तभी आपको आएगा। देखिए गलत हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसकी बात कोई नहीं थी। देखिए हम आपको अगला बात नहीं करते हैं, आगे भी चलते हैं। जैसे देखिए महोज, देखिए वर्ड है माँ हाफ ऑफ मंत्र हाओ जय। देखिए गलत सही पहचान कैसे होती है, देखिए इसमें दो ही मात्रा थी, दो मात्रा आए आओ दो मात्रा। अब इसमें देखिए औ की मात्रा देखिए आपको आया कि नहीं, देखिए दो मात्रा आ मतलब ये आ गया, तो अब इसको हमें तोड़ना है। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे ये देखिए संधि विच्छेद कैसे करेंगे, एग्जाम में से देखिए ये वर्ड दिया रहेगा, इसका संधि विच्छेद आपको चार ऑप्शन देगा, तीन गलत रहेगा एक सही रहेगा, सही कैसे आपको चुनना है वो आपको देखिए देखना। अब छोटा बड़ा ओ मिला देंगे तो आपका औ बन जाता है, तो इसको आओ जो ये बन रहा है, देखिए ये वो बन रहा है ना, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसको बनने के लिए देखिए हम यहाँ क्या लेंगे, छोटा आ भी ले सकते हैं बड़ा आ भी ले सकते हैं, मतलब बड़ा आ ले लेते हैं क्योंकि हम इसे हमको हमको देखिए अगर बड़ा आ लेते हैं देखिए माइंड में ये रखना पड़ेगा, अगर ये माँ में हाफ आ मत, क्योंकि औ की मात्रा का देखिए लोप होना चाहिए, ये मात्रा से कोई मतलब नहीं, मतलब हट गया समझिए, ये तो मात्रा जो ये औ की मात्रा इसको हटाना है, हटाकर उसी को बनाना है। तो अगर बड़ा आ लेते हैं तो ये देखिए माँ हा, देखिए हम ये चेक करते हैं क्या है सही, महा महा धन, देखिए इधर कोई मतलब ओ है तो ओ जो जाएगा ओ, देखिए यहाँ ओ है तो यही वो उतार के ओ और ज उतार लेंगे, देखिए महा धन ओज बराबर क्या होगा महोज, देखिए बिंदी लगा दीजिए आपका संस्कृत बन जाएगा, देखिए आपका महोज हो गया। ऐसे दूसरा वर्ड आपको देते हैं, देखिए आप हमारे साथ लगे रहिए एकदम भना भन आपको टर्न टर्न सिखाते जा रहे हैं। अब हम देखिए देखिए मान लीजिए आपका अब कोई दूसरा वर्ड लेते हैं, जैसे लेते हैं मौसद माँ हाफ आओ मतलब हाओ, देखिए माँ हाओ स ध, देखिए इसमें भी आओ की मात्रा आ गई। अब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए तोड़ेंगे देखिए महा हो सकता है मह नहीं होता, तो जैसे मतलब में आ धन क्या लेना आ धन ओ, देखिए अपने आप बन गया आ धन ओ, आ लेना खाली दूसरे लेना छोटा लेना बड़ा लेना है, यहाँ ये एक क्या हो जाएगा महा महा धन ओ सद ओ सद है, देखिए महा औषध हो गई, देखिए तो महा धन औषध। अगला देखते हैं औषधि दे लेते हैं, एक वर्ड और ले लेते हैं, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे देंगे, देखिए वह न देखिए हो गया वनस दी, देखिए वनस दी तोड़ती है देखिए यहाँ से बीच में से तो वना होता है, देखिए आप वन होता है कि वना होता है वन होता है, तो आगे मात्रा नहीं लेंगे छोटा आ प्लस ओ लेंगे, ठीक यानी ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा वन धन ओ स दी औषधि, देखिए हो गया वन धन औषधि। देखिए इसी तरह आपको आपको ढेर सारे करने हैं, अब आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए दे दे रहे हैं वर्ड, आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर आपको नहीं दे एक दो वर्ड हम आपको और बता देते हैं। मान लीजिए आप आई की मात्रा ले लीजिए, ठीक है आपने वर्ड ले लिया सदैव, एकक ले लीजिए एकक आय कैकक, देखिए तोड़ दीजिए, तो अब हमको ये देखना है छोटा आप बड़ा आ लेते हैं कि ए लेते हैं, अगर का पाक मात्रा लगाइए तो एका एका कोई वर्ड होने तो एक होता है, यानी हमें छोटा आ प्लस क्या लेना है देखिए छोटा आ प्लस ए लेना है, ए लेना है, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए कर एक हो गया फिनिका एक, देखिए ये क्या हो गया आपका एक प्लस एक, देखिए एक का इधर हो गया एक ए इधर हो गया, देखिए ए प्लस ए प्लस मिल गया हो गया एक, ठीक है देखिए एक प्लस एक।
अब नीचे आपको प्रैक्टिस करने के लिए देखिए दे रहे हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करना। देखिए वीडियो बहुत बार बना रहे हैं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। देखिए एक वर्ड दे रहे मैतक, माता पलता है मैतक। एक वर्ड हो गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा है नीचे कट रहा नहीं, अगले वीडियो में कट गया था लेकिन इसमें कटना नहीं चाहिए। देखिए मैतक, फिर देखिए दूसरा वर्ड लीजिए, दूसरा वर्ड आपको दे रहे हैं मा हा पाए मतलब है महेश्वरम, महेश्वर सवर, देखिए महेश्वर। तीसरा लीजिए, तीसरा क्या है, तीसरा बोलिए प्रमोदार्थ, पा रहा मा पाओ मंत्र माओ, ठीक है प्रमो दार्य, ठीक प्रमदार। देखिए चौथा लीजिए, चौथा बार आपका क्या है मजोश्री, मा आप हो मा हो ज आदता वी मजो मजोश्री, ठीक है। फिर और कोई वर्ड बचा है ना, और तो लगभग इतने वर्ड तो आपको बहुत ही हो गए, इतना प्रैक्टिस के लिए बहुत है। फिर इसी में अगर आप पांचवा वर्ड ले सदम ले लीजिए, सदम तुमने बताया है फिर ले लीजिए, मतलब प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा सदम। और भी कोई वर्ड है आपको बता दे, दिखाई दे रहा है एकक हो गया, फिर देखिए तदैव ले लीजिए, तदैव तदैव ले लीजिए तदैव। और देखिए और वर्ड आपको दिखाते हैं, देखिए स्केच खत्म हो जा रही है, तदैव के बाद ले लीजिए कोई वर्ड और ले लीजिए, और कुछ क्या तदैव, और सातवां कोई वर्ड दिखाई दे रहा है आपको महा मौसम भी हो गया है, और कोई वर्ड मौसम हो गया तदैव एक हो गया, और कोई जलौद ले लीजिए, या लापाक जलौद, देखिए जलौद भी हो गया। और देखिए कोई वर्ड आपको याद अगर आ रहा है देखिए आप प्रैक्टिस करने के लिए दे दें, साथ 10 वर्ड हम थोड़े कम से कम दे दें, वो दे दें चुनौती, चुनौती देखिए तो मैं बिंदी पहले लगा दीजिए नहीं तो आपका संस्कृत नहीं बनेगा, देखिए बिंदी लगा दीजिए, याद आ गया बिंदी लगा दीजिएगा। और चुनौती, चू न पाऊँ तो नौ, देखिए चुनौती बनता है आठवा चुनौती, चुनौती हाँ है सही है चुनौती। और बस देखिए वर्ड देखिए ओजस्वी, ओ ओजस्वी तो मतलब ओ की मात्रा था, अरे नौ नहीं नौटंकी भी नहीं होगा, नौटंकी और लय, चलिए आज ही वर्ड बहुत है, आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, वीडियो बड़ा नहीं करना है, आप इतनी वर्ड प्रैक्टिस करिए आपको कैसा लग रहा है, देखिए आपको सही लग रहा नहीं एकदम पूरा। देखिए इसमें फिर बता दें वृद्धि संधि में क्या होता है, दो मात्रा आय की मात्रा औ की मात्रा अगर आएगा तो वृद्धि संधि इसको तोड़ने के देखिए तरीका में जो ट्रिक बता दिए ये है आपको यहाँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो सब बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते हैं, आपको बहुत छोटी छोटी सब शब्द याद करें, देखिए ठीक है एग्जाम में बहुत सारे करना, अभी हम अगले वीडियो में पूरे एक एक ही में पूरे पूरा बताएंगे कि आपको छुट्टा क्या नहीं, आप हमारे साथ लगे रहिए, आपको मैं पक्का तय करवा दूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं सब पढ़ रहे हैं, सब 90-90 का टारगेट बनाए हुए हैं, देखते हैं कौन 90 लाता है, अगर 90 सोच रहे हैं तो 80-85 अक्सर पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आपको मेरी हिंदी अच्छी लग रही है तो मेरे साथ जुड़ के आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको हम सब आपको हम यही से चीजें जो भी बताएंगे सब ट्रिक्स विदाउट ट्रिक नहीं, बहुत लॉन्ग नहीं बताना, आपको शॉर्ट कट में बताना है, ठीक है। अगर आपको आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब भी आपके सब्सक्राइब भी हम आपके क्या हमारी गुरुदक्षिणा है, बाकी आपसे तो फीस ले नहीं रहे हैं और हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, ना तो हमारा चैनल सर वही कुछ हुआ है ना कुछ हुआ, बस इसलिए खाली खुशी के लिए वीडियो बना रहे हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, जय हिंद।